एम्स में आने के बाद लास्ट 3 ईयर्स में दो चीज़ें जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस की है वो है मम्मी के हाथ का खाना एंड मेरी ब्यूटीफुल फियांसे के साथ टाइम बिताना। सो जब भी मैं गुजरात जाता हूँ ट्राई करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाए। वैसे गया तो मैं अपने ग्रैंडफादर के हेल्थ इश्यूज़ के लिए था, लेकिन थोड़ा टाइम हम फैमिली एंड फियांसे को देने में भी कामयाब हो गए। शी इज़ डूइंग हर MD मेडिसिन रेसिडेंसी एट वडोदरा मेडिकल कॉलेज। सो आफ्टर सेटलिंग द इश्यूज ऑफ माई ग्रैंडफादर हम तो भैया निकल पड़े वडोदरा जाने के लिए। अहमदाबाद से होते हुए वडोदरा की यह जर्नी ने कॉलेज लाइफ की बहुत सारी ब्यूटीफुल यादें ताज़ा कर दी। जब हम आते जाते रूटीनली मिलते रहते थे, वो भी क्या दिन थे। सो आई जस्ट नाउ रीच्ड हियर एंड आई कॉल्ड हर, शी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल टेकिंग वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। So I must have to wait for some more time. But anyway, I am so excited. Although मैंने उन्हें 1 घंटे पहले से ही फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया था, मुझे पता था वो टाइम पे नहीं आएंगे। Because she was on duty and last 28 hours से वो सोए नहीं थे। Yes, that's how first year residency is like. मैं वहाँ सर्कल के पास ही एक मंदिर के आंगन में उनका वेट करने बैठ गया। And finally, after half an hour, she appears. Such a small, काम येट पावरफुल पर्सनालिटी। हमारे रिलेशनशिप को 7 साल होने वाले हैं एंड स्टिल मुझे इस बार भी अपनी फर्स्ट मीटिंग वाला वाइब्स आ रहा था। वी जस्ट सैट देयर फॉर फ्यू मिनट्स एंड डिसाइडेड द प्लान फॉर द डे। बिकॉज हर हॉस्टल रूम इज इन अ डबल शेयरिंग मोड, वी डिसाइडेड टू स्टे इन होटल सो दैट वी कैन फ्रेश अप एंड कीप द लगेज। होटल वॉज वेरी ब्यूटीफुल विद डिसेंट रूम्स। वडोदरा में 2-3 रेस्टोरेंट्स हमारे फेवरेट हैं एंड मुझे वहाँ का खाना मिस नहीं करना था। सो लंच के लिए हम गए काठियावाड़ी खड़की। वहाँ की गुजराती थाली इतनी टेस्टी होती है, जो भी खाता है दीवाना बन जाता है। इट वॉज सो सेटिस्फाइंग टू ईट काठियावाड़ी खड़की लंच आफ्टर लॉन्ग टाइम। पेट फुल हो गया था एंड बाहर तो गर्मी की आग लगी हुई थी। सो हमने प्लान बनाया AC वाली जगह पे जाने का। नो, नॉट ATM, दैट इज थिएटर। यस, मूवी भी अच्छी लगी हुई थी, KGF 2। सो हमने नियर बाय थिएटर में सीट्स बुक करवा ली। मुझे तो मज़ा आया, बट मैडम तो हमारे थोड़े टाइम में ही सो गए, क्योंकि उनकी तो 30 घंटे की नींद पेंडिंग थी। ऊपर से हैवी खाना, फिर तो क्या ना आव देखा ना ताव। KGF एंड मुझे दोनों को मुंह पे इग्नोर करके वो तो सो गए भैया। एंड आई ऑल्सो लेट हर स्लीप बिकॉज दैट्स हाउ फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी इज। हम भी वो फेज से पास हुए थे एंड आई बेटर नो दैट एटलीस्ट वो हमें मिलने के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं, वो ही मोर देन इनफ है। मूवी वॉज गुड एज एक्सपेक्टेड एंड 2 आवर्स की नींद के बाद वो भी फ्रेश हो गए थे। सो थोड़ा फ्रेश क्वालिटी टाइम स्पेंड हो पाएगा। आफ्टर दैट हम कॉलेज गए एंड मेरे 2-3 दोस्तों को मिले। मेरे MBBS लाइफ का फर्स्ट रूम पार्टनर दीपक, यानी कि DD, वो भी वहाँ MD मेडिसिन ही कर रहा है। हॉस्टल लाइफ का एक अलग ही नशा है एंड उसमें भी जब आपको फर्स्ट ईयर MBBS का रूममेट इतने टाइम बाद मिले, फिर तो क्या। रैगिंग से लेकर ग्रांड मस्ती तक सारी यादें वो 15 मिनट में ताज़ा हो गई। देन हम मिले बक्कू को, हमारे गोलू मोलू भोले भाले फ्रेंड भार्गव। वो MD पीडियाट्रिक्स कर रहा है। बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स थे कॉलेज लाइफ में, बट अब वो गुजरात एंड देश के अलग अलग कोने में MD MS कर रहे हैं। बट आई रियली विश कि कितनी भी बिजी लाइफ हो, ऐसे ही एक दूसरे को हम मिलते रहे। देन वो मुझे अपने मेडिसिन का वार्ड दिखाने ले गए, बट इट वॉज नॉट अ गुड डिसीजन फेयरली, क्योंकि वहाँ पर जाते ही पेशेंट्स ने उन्हें घेर लिया एंड वो काम पे लग गए। अगेन फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी लाइफ एंड वहाँ पर बैठ के वेट करने के अलावा मुझे और कोई चारा नहीं था। आई टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड यही तो होता है ट्रू लव भैया। ये सब ट्रू लव वाली चीज़ों में मैं भी पहले बिलीव नहीं करता था, बट उनके आने के बाद आई एम फीलिंग दिस लव एवरी सेकंड ऑफ माई लाइफ। शी इज़ वेरी एविड रीडर ऑफ बुक्स एंड ऐसी ही एक बुक उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस। इट लिटरली चेंज्ड माई वे ऑफ लुकिंग एट ट्रू लव। ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ओरिएंटेड बुक है जो आप भी कुकू FM पे सुन सकते हो एंड जो आपको ट्रू लव एंड उसको लाइफ टाइम स्ट्रॉन्ग करने की क्वालिटीज सिखाएगी। कुकू FM इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपको 1 से बढ़कर 1000 ऑफ हिंदी ऑडियो बुक्स एंड उनकी समरीज मिल जाएगी। हम तो रोज सुनते हैं एंड मैं आपको ही नहीं आपके पूरे घर को ये रिकमेंड करूँगा एंड इसलिए ही आप यूज़ कर सकते हो कोड GHAR50 टू गेट इंस्टेंट 50% ऑफ। 199 रुपीज़ पर ईयर में आपको सारे प्रोडक्टिव बुक्स एंड उनकी समरीज अवेलेबल हो जाएगी, जिसको आप अपने पूरे फैमिली के साथ साल भर अनलिमिटेड सुन सकते हो।
कोड सिर्फ 19 जून तक वैलिड है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डाउनलोड करके जरूर यूज़ करना। आई एम श्योर यू विल लव इट। देन हम गए डिनर के लिए, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सो साउथ में। पहले मुझे साउथ इंडियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं था, बट शी लव्स इट। एंड उनके साथ रह रहे के ऐसी ऐसी साउथ इंडियन डिशेज खाने को मिली मुझे कि अब मैं साउथ इंडियन खाने का भी दीवाना हो गया हूँ। दोपहर का पेट फूल था, फिर भी थोड़ा और दबा लिया। गुजरात आए हैं भैया, कोई ढिलाश नहीं छोड़ेंगे। पहले प्लान था आइसक्रीम खाने का, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं जाएगा भैया, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा अब। सो हम आ गए वापस रूम पे, एंड आफ्टर टेकिंग बाथ हम चैन के नींद सो गए। मेरे पूरे दिन का एंड उनका 2 दिन की थकान जो इकट्ठी हुई थी, एंड दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग के कुछ ब्यूटीफुल प्लान्स भी थे। अर्ली मॉर्निंग उठते ही फटाफट हम तैयार हो गए एंड निकल गए हमारे फेवरेट रिलैक्सिंग स्पॉट पर, दैट इज़ तपोवन मंदिर। मंदिर या फिर कोई भी आपकी रिलीजियन प्लेस, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपने बॉडी एंड माइंड के रियल एनर्जी का एहसास कर सकते हो। एक अलग ही डिवाइन एनर्जी से बॉडी भर जाता है। हम दोनों मिले और मेडिटेशन ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से इस बार तो आपको भी सिखाना था। सो वी वेंट देयर एंड डिड शूटिंग ऑफ द मेडिटेशन वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो देख लेना। यू विल रियली लर्न मैनी यूनिक थिंग्स दैट आर नॉट कॉमनली डिस्कस्ड। ये मंदिर भी हमारी बहुत प्यारी प्यारी यादों का साक्षी रहा है। देन वी केम बैक टू होटल, पैक्ड अवर लगेज एंड डिड चेक आउट। अभी एक और इम्पोर्टेंट काम बाकी था, दैट इज़ टू गेट वॉइस ओवर ऑफ अंजलि फॉर मेडिटेशन वीडियो। बिकॉज क्लिप्स तो हमने शूट कर दी थी, बट एडिटिंग टाइम उनका वॉइस भी तो चाहिए था। एंड सो हम पहुँच गए कमाटी बाग, वडोदरा का बहुत ही फेमस टूरिज्म स्पॉट। मेरी यादें भी ताज़ा हो गई एंड साथ में शांत जगह भी मिल गई वॉइस ओवर के लिए। बहुत ही गर्मी थी, बट आपके लिए करना ज़रूरी था। आपको गाइड करना भी हमारे क्वालिटी टाइम का ही एक हिस्सा है। एंड अगर हम अपना इंपॉर्टेंट टाइम आपको इतनी मेहनत करके दे रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, इससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इंस्पायरिंग वीडियोज़ आने वाले हैं आगे। टाइम हो गया था मेरे निकलने का एंड धीरे धीरे एक बेचैनी सी फील हो रही थी। इतना अच्छा टाइम आँख के पलकों में निकल गया था एंड दुनिया के सारे कलर्स जैसे डल से लगने लगे थे। आफ्टर ईटिंग अनलिमिटेड पिज्जा वी लेफ्ट फॉर द बस स्टैंड। शी गिफ्टेड वडोदरास फेमस लीलो चेवड़ो एंड पाखरवड़ी फॉर माय पेरेंट्स एंड सिस्टर। इतनी गर्मी होने के बावजूद जब तक मेरी बस निकली नहीं तब तक वो धूप में ही खड़े रहे। कोई देख रहा है या फिर क्या सोचेगा उसकी हमें कोई फिकर नहीं है। वी जस्ट वॉन्टेड टू सी ईच अदर फॉर दोज लास्ट फ्यू मिनट्स एंड इन द लास्ट शी क्राइड because she is again going to those hectic duties all alone and we don't know when will we meet next time, but us baat ki guarantee hai ki jab bhi milenge apne pehli mulaqat se bhi zyada excitation se milenge. jitni bhi baar hum milte hai chahe half day ho ya half month, we always live the life at fullest. we love each other, hug each other and always support each other. that's how a relationship should be. आई विश द सेम रिलेशनशिप कोल्स टू यू। अगर हमारी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप का एक और व्लॉग देखना है तो ये वीडियो देख लेना, वरना ये वीडियो देखो जो कि इसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ।